से बिहार से पटना से और अपने आसपास पुरुष का गृह मंडल व महिलाओं की गृह पंचायतों में नहीं होगी तैनाती। बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का तबादला होगा। पदस्थापन और स्थानांतरण नीति लागू। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13-14 दिसंबर को संभावित। असाध्य रोगों से ग्रस्त दिव्यांग व महिला शिशु का होगा ऐच्छिक तबादला। पति के पदस्थापन के आधार पर की जाएगी शिक्षिकाओं की पोस्टिंग। दिसंबर से होगा तबादला। 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द। 8 साल से लगाए प्रोन्नति की आस। लखनऊ से हर 5 साल पर शिक्षकों स्थानांतरण अनिवार्य। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी। रेलवे पर्व बाद परीक्षाओं का दौर। 338 कोचिंग संस्थानों की नहीं हुई जांच रिपोर्ट तलब। नियोजित शिक्षकों को 18 साल बाद स्थानांतरण का मिला मौका। स्कूल में बीपीएससी से नियुक्त 30% शिक्षक होंगे। नियुक्ति में विलम्ब के खिलाफ प्रदर्शन। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 97 टॉपर छात्र आज होंगे सम्मानित। झारखंड से है। कॉलेजों में 12 पीटीआई की नियुक्ति। दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर मंथन। रांची से है। 6 में से 1 शिकायतकर्ता पहुंचा जेएसएससी जांच रिपोर्ट आज। प्रशिक्षण योजना के तहत 156 उम्मीदवार चयनित। सक्षमता परीक्षा द्वितीय की उत्तर कुंजी जारी। अतिथि शिक्षकों की राज्यपाल सीएम से न्याय की गुहार। ट्रिपल आईटी टीम को क्विज में तृतीय स्थान। बेहतर शहरी भविष्य पर मेकॉन में परिचर्चा। आईटीआई के विद्यार्थियों को मिलेगा एनसीसी का प्रशिक्षण। जिले के स्कूलों में आईसीटी लैब की बढ़ेगी संख्या। एमबीबीएस परीक्षा में स्कॉलर्स के बैठने की जांच के लिए टीम पहुंची। आरआरबी सहायक लोको पायलट परीक्षा 25 से 29 नवंबर तक। 172,000 शिक्षकों प्रमाण पत्र अपलोड। शिक्षकों की ट्रांसफर नीति घोषित। 10 विकल्प देने होंगे। दिसंबर में पोस्टिंग। 5 साल के बाद फिर तबादला होगा। सक्षमता परीक्षा द्वितीय के आंसर की जारी। अब कक्षावार बच्चों का आधार कार्ड से होगा रजिस्टर्ड। प्राइवेट स्कूलों की समस्या को लेकर एसोसिएशन शिक्षा मंत्री से भेंट की। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी में 9 शिक्षकों पर केस दर्ज। असम के एक ही संस्थान स्टडिंग से सर्टिफिकेट। जिले के 50 और शिक्षक जांच के दायरे में आए। मुजफ्फरपुर स्कूलों में योजना का सफलतापूर्वक करें क्रियान्वयन। स्थानांतरण नीति से शिक्षकों चल रही सरकार संघ। नियोजित शिक्षकों को 18 साल बाद स्थानांतरण का मिला मौका। एकेयू के परीक्षा हॉल में नहीं लगा था सीसीटीवी कैमरा। नीट पेपर लेके 144 अभ्यर्थियों ने रटे थे उत्तर। भारत मालदीव स्थानीय मुद्रा में कारोबार करेंगे। इजराइल पर हिजबुल्ला हमास ने बरसाया बम। अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबल। विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुकुन। तो ये थे कुछ मुख्य समाचार। ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।